हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के मल्टीटास्किंग स्टाफ भर्ती 2019 के बारे में। जी हां दोस्तों, अब जो है साल अपने अंतिम पड़ाव पर है। जी हां, आज 20 दिसंबर हो गया है और बस 10 दिन का और आपका इंतज़ार है। उसके बाद जो है 2019 जो है आपके लिए अलविदा हो जाएगा और 2020 में आपका स्वागत हो जाएगा। तो दोस्तों, 2020 में ही जो इसका रिजल्ट आने वाला है, संभावना जो एक्सपेक्टेड बताई जा रही है। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि क्या 2020 हमारे लिए अच्छी खबर लेकर आ रहा है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे इस वीडियो में सिर्फ एक ही चीज़ बताई जाएगी आपको, वो है सेफ स्कोर, यानी कि आपका कितना नंबर आ रहा है कि आप जो है अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हैं या फिर आप अभी भी डेंजर जोन में हैं, यानी कि अभी भी आपको चिंता करने की आवश्यकता बनी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट नौकरी चैनल पे दोस्तों आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलती है। और दोस्तों, जब भी कोई नया नोटिफिकेशन आता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे डिपार्टमेंटल भर्ती क्यों ना हो, जी हाँ, हम आपके लिए लेके आते हैं सभी प्रकार के सरकारी नौकरी के फॉर्म के नोटिफिकेशन। साथ ही हम आपको प्रोवाइड करते हैं स्टडी मटेरियल जिससे आपको आसानी हो एग्ज़ाम को क्रैक करने में। नंबर 3, हम आपको यहाँ पे देते हैं एक अच्छी गाइडलाइंस, क्योंकि दोस्तों हमारे पास हैं अच्छे प्रोफेसर्स एंड टीचर्स जो आपका अपना अनुभव जो है आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आपको अच्छी गाइडलाइंस मिल सके एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे यूजीसी नेट का हो, चाहे आप एमटीएस के लेवल का हो, 10+2 के लेवल का हो, चाहे टेक्नीशियन की भर्ती क्यों ना हो, जी हाँ दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सभी की जो है अच्छी गाइडलाइंस मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जनरल कैटेगरी को लेकर सबसे पहला जो है हमारा टॉपिक है कि कितनी कट ऑफ, जी हाँ दोस्तों, कितनी कट ऑफ मिनिमम जो है जा सकती है। लेकिन आज का जो हमारा विषय है कि सेफ स्कोर, जी हाँ, तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ सेफ स्कोर का दिखाया जाएगा। तो आपका सेफ स्कोर कितना जा सकता है जर्नल में, वही हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। तो जर्नल की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो आपके मार्क्स अगर 80 नंबर हैं, जी हाँ दोस्तों, ये ऑल ओवर की बात कर रहा हूँ, मैं ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, यानी कि ऑल स्टेट्स लेवल पे, ये मत सोचना कि किसी एक स्पेसिफिक स्टेट का नाम ले रहा हूँ, जी नहीं। अगर आपके नंबर 80 नंबर हैं और आप सोच रहे हैं कि आप अभी डेंजर जोन में हैं, तो बिल्कुल गलत। अगर आप 80 के नीचे हैं तो जी हाँ, आपको अभी भी थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप सेफ नहीं रहेंगे। तो यानी 80 नंबर अगर आपके हैं जिन जिन स्टूडेंट्स की, तो वो अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हैं, क्योंकि उन्हें जो है किसी न किसी स्टेट में जो है उनका नंबर लग सकता है। तो अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट कैटेगरी, यानी कि EWS। जी हाँ दोस्तों, EWS पे भी हमने इस बार आपके लिए सर्वे जो है निकाला, क्योंकि EWS पे भी काफ़ी लोगों ने कमेंट किया, सर आप इस कैटेगरी के बारे में नहीं बताते। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो आप सेफ जोन है वो है आपका 79। जी हाँ दोस्तों, बस एक नंबर का ही फ़र्क है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है EWS और जर्नल में जो है ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, यहाँ पे तो 0.5 का डिफरेंस हो जाता है। फिर भी हमारा यहाँ पे जो आपका है 79 नंबर अगर आपके पास है EWS में, और आप जो है ऑल स्टेट जो है चूज़ किए हुए हैं, जी हाँ दोस्तों, ऑल स्टेट चूज़ किए हुए हैं, तो आप जो है अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप आसानी के साथ जो है किसी न किसी स्टेट में आपका नंबर लगने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आप 79 के नीचे हैं तो आपको ज़्यादा तो नहीं, बट फिर भी दोस्तों मैं अपने हिसाब से आपको कह रहा हूँ कि आप सेफ जोन में नहीं रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको जो है चांसेस थोड़े ऊपर नीचे हो जाएंगे। इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ सेफ स्कोर का जो है ये अपना फंडा रखा है। अब बात करते हैं हम OBC की। जी हाँ दोस्तों, OBC की बात करें तो यहाँ पे आपका सेफ स्कोर कितना हो सकता है दोस्तों, चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके जो है कमेंट कर सकते हैं अपना जो है एक्सपेक्टेड। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं आपको बात करूँ तो यहाँ पे आपकी जो मिनिमम जिसे हम कहते हैं सेफ स्कोर में जाने के लिए, वो आपका नंबर है दोस्तों 78। जी हाँ दोस्तों, 78 मार्क्स के आसपास में अगर आप हैं और आप OBC कैटेगरी से भरे हैं फॉर्म और ऑल स्टेट को जो है चूज़ भी किया हुआ है, तो आप आसानी के साथ
सेफ स्कोर में जो है माने जाएंगे, यानी सेफ जोन में माने जाएंगे। यहाँ पे आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने सभी स्टेट्स को चूज़ किया है तो आपको कहीं ना कहीं पे जो है नंबर लग जाएगा। तो ये है 78 मार्क्स ऑल स्टेट्स के लिए। अब बात करते हैं एससी की, यानी शेड्यूल कास्ट की। तो शेड्यूल कास्ट में अगर हम जाएँ तो यहाँ पर जो सेफ स्कोर माना जाएगा दोस्तों, वो है आपका 76। जी हाँ दोस्तों, 76 का नंबर अगर आपने छुआ है, जी हाँ, ये नंबर काफ़ी ज़्यादा मैं बताया हूँ, बट फिर भी दोस्तों सेफ जोन जो है बताना है वो ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर आप 76 के नंबर ला दिए तो आप जो है सेफ जोन में है, यानी आपको ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत है ही नहीं, कहे तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इसके नीचे आप हैं तो शायद आप किसी किसी स्टेट में जो है क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन 76 है तो आप आसानी के साथ जो है दोस्तों सेफ जोन में माने जाएंगे। अब बात करते हैं एसटी की। तो शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें तो यहाँ पे कितना होगा सेफ जोन, तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो है सेफ जोन है 65 नंबर। 65 नंबर के साथ अगर आपने ऑल स्टेट चूज़ किया हुआ है तो आप जो है अपने आप को बिल्कुल सेफ मान सकते हैं, आपको ज़्यादा जो है सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से जो है हैप्पी न्यू ईयर को सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि आपके लिए 2020 लेके आएगा खुशियों की सौगात और आप जो है एमटीएस को क्रैक कर लेंगे दोस्तों आसानी के साथ। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।